मुंबई के एल्फिस्टन रोड स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर आज राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे ने रेलवे की स्थिति को सुधारने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। राज ठाकरे ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों में रेलवे परिसर में मौजूद फेरी वालों को नहीं हटाया गया तो 16वें दिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें हटाने का काम करेंगे। राज ठाकरे ने कहा, मुझे जानकारी है कि सुरेश प्रभु ने बुलेट ट्रेन का विरोध किया था तो उन्हें हटा दिया गया और उनकी जगह पीयूष गोयल को लाया गया। जो विरोध करते हैं उनको बाहर कर देते हैं। उन्होंने कहा, हमने रेलवे से निवेदन किया है कि रेलवे को लेकर लोगों में गुस्सा है। जो पिछली सरकार में समस्या थी वही समस्या इस सरकार में भी है। लोगों में इतना डर है कि वह घर से निकलने के बाद वापस घर नहीं पहुंचेंगे। राज ठाकरे ने आगे कहा, मोदी सरकार ने देश के साथ विश्वासघात किया है। लोगों ने प्यार से मोदी को सत्ता दी थी लेकिन क्या हुआ? उन्होंने कहा था कि देश के हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे लेकिन बाद में कह दिया कि यह तो सिर्फ एक जुमला था। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने यह भी कहा कि आज का मोर्चा शांति से निकाला गया है। अगर आप वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं करेंगे तो अगला मोर्चा शांतिपूर्वक नहीं होगा।